गुरुवार को मंगलवारी जोन में दो संपत्तियों पर मनपा का हथौड़ा चलाया गया। मानकापुर स्थित श्रीनगर के पास उस समय संपत्ति धारकों में दहशत का वातावरण फैल गया, जब प्रवर्तन विभाग का दस्ता दलबल के साथ कार्रवाई के लिए यहां पहुंच गया। किंतु कुछ ही देर में कई संपत्ति धारकों ने राहत की सांस भी ली। विशेषतः मनपा के प्रवर्तन विभाग का दस्ता हाई टेंशन लाइन के दायरे में आने वाली संपत्तियों का अवैध निर्माण तोड़ने गया था। काउंटिंग के दौरान स्टेडियम परिसर में बड़ी संख्या में कांग्रेस और भाजपा के एक दो विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों के साथ कार्यकर्ता ही नजर आए। दोनों ही पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा और न ही कोई उम्मीदवार ही देर शाम तक वहां आया। नेताओं का नहीं आना भी वहां चर्चा का विषय बना हुआ था। नए कृषि विधेयक को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली को घेर रखा है। किसानों की संसद भवन को घेरने की योजना है। पिछले 7 दिनों से दिल्ली की सीमा पर लाखों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। आम आदमी पार्टी ने नागपुर में भी किसानों के समर्थन में धरना आंदोलन किया, जिलाधिकारी को आवेदन दिया गया। जरीपटका थाना अंतर्गत 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने मानसिक तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को नीचे उतारा। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। फरियादी भूपेंद्र सिंह सलविंदर सिंह भुर्जी की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। लॉकडाउन के चलते माध्यमिक शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से शिक्षा शुल्क भरने की सख्ती की जा रही है। अगर अभिभावक शिक्षा शुल्क नहीं भरते हैं तो उनके पाल्य को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। ऐसा ही वाक्या शहर के पीपरी में स्थित अग्रगामी स्कूल में सामने आया, जहां शिक्षा शुल्क की 2 किस्त अदा नहीं करने से सैकड़ों पालकों को स्कूल द्वारा बच्चों के रिजल्ट ही नहीं दिखाए गए, जिससे आक्रोशित हुए पालकों ने स्कूल में हंगामा मचा दिया। तत्पश्चात इस संबंध में शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मंगेश घोगरे को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की मांग की है। भले ही कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही बढ़ गई है, लेकिन वायरस की सक्रियता अब भी बरकरार है। मरने वालों सहित संक्रमित मरीजों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार को एक बार फिर संख्या बढ़ गई। कुल 536 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, वहीं 15 मरीजों ने दम तोड़ दिया। नवंबर की तुलना में अब दिसंबर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उमरेड शहर के जोगी थाना पेट स्थित लक्ष्मी भोजनालय के समीप निवासी सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी की पत्नी का बुधवार की रात को निधन हो गया। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम गुरुवार को शाम 5:30 बजे शमशान घाट पर आयोजित किया गया था। उसी वक्त पत्नी की मौत के सदमे से सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी अर्जुन नागुराव ताइडे की भी मौत हो गई। बाद में घाट पर दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस गंभीर घटना से मृतक के परिजन गहरे सदमे में हैं। समाज सेवी बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे करजगी के मौत को 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाने में सफल नहीं हो पाई है। पुलिस को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, परंतु पुलिस ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। डॉक्टर शीतल के रूम में से जो वस्तुएं मिली थी उसकी फॉरेंसिक जांच अब मुंबई में होगी। दवाइयों को लेकर अब भी संदेह बरकरार है। जांच अधिकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर पांडे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है वे फिलहाल कोई जानकारी नहीं दे सकते। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक कुछ भी बता पाना असंभव है। केंद्र सरकार द्वारा अन्य देशों से बड़े पैमाने पर सोयाबीन आयात करने का निर्णय लेकर आयात शुल्क में भारी कटौती की है। इस कारण महाराष्ट्र के किसानों के सोयाबीन को उचित भाव नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार अगर आयात कर में वृद्धि करती है तो राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित सोयाबीन को अच्छे दाम मिल सकते हैं। ऐसी चर्चा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुई है। कार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी कर रही नागपुर के अपराधियों की गैंग को रायपुर पुलिस ने जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। 3 अपराधी पुलिस के हाथ लगे हैं। बताया जाता है कि हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में बिल्डर के घर पर हुई चोरी के मामले में 3 फरार थे। हुड़केश्वर पुलिस कई दिनों से इनकी तलाश में जुटी हुई है। रायपुर में गिरफ्तारी होने की जानकारी मिलने के बाद हुड़केश्वर थाने की टीम उन्हें हिरासत में लेने रवाना हो चुकी है। पकड़े गए आरोपियों में शांतिनगर म्हाड़ा कॉलोनी निवासी विजय प्रसाद
उर्फ राजा बुंदेल मथुरा प्रसाद मालवीय, सतरंजीपुरा निवासी अब्दुल सोहेल उर्फ बाबू पठान अब्दुल कलीम और मारवाड़ी चौक लालगंज निवासी शहजाद उर्फ बंटी शरीफ अली का समावेश है। तीनों नागपुर के सक्रिय अपराधी हैं।